तो भाई कल के मुंबई वर्सेस केकेआर के मैच में इतना कुछ हुआ था कि किसी को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि उस मैच में असल में क्या हुआ था, क्योंकि मैच को छोड़ के भैया बाकी इतनी सारी चीजें हो रही थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे मैच देखे कि भैया ये सब देखें। सबसे पहले तो ये खबर आती है कि अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू हो रहा है, उसके बाद ये भी खबर आ जाती है कि रोहित शर्मा खुद नहीं खेल रहे हैं, और उसके बाद ये खबर आती है कि सूर्य कुमार यादव आज के मैच में कैप्टन होने वाले हैं, और उसके बाद भैया मैच में ये भी पता चलता है कि रोहित शर्मा खेल रहे हैं बस खेल नहीं रहे थे। हाँ, खेल रहे हैं बस खेल नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें इंपैक्ट प्लेयर बन के आना था। और उसके ऊपर से भैया और भी खबरें आती हैं कि सचिन तेंदुलकर भी मौजूद हैं, नीता अंबानी भी मौजूद हैं, 19,000 लड़कियां भी मौजूद हैं, हरमनप्रीत कौर टॉस के लिए आ रही हैं, और ऊपर से सारा तेंदुलकर भी आई हैं, सुहाना खान भी आई हैं। अब इतना कुछ जब हो रहा था तो किसी को घंटा फर्क पड़ेगा कि मैच में क्या हो रहा है? प्रैंक हो गया आपके। लेकिन रोहित भाई सच सच बताना कि अर्जुन तेंदुलकर को मौका देने के लिए आप बाहर हुए थे? नहीं 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 नहीं, ये नहीं कि पेट खराब था वो खराब था। अगर खराब था तो भैया इंपैक्ट प्लेयर बनके क्यों आए? और अगर खराब था तो मैच शुरू होने से पहले अर्जुन तेंदुलकर को टोपी क्यों पहना रहे थे? मतलब कि आप फिट थे बस खेल नहीं रहे थे। और इसके पीछे पता है रीजन क्या होगा? कि रोहित शर्मा को लगा होगा अगर किसी और को बाहर करके उनको लाएंगे तो लोग कहेंगे कि भैया तुमने इसको लाने के लिए उसको बाहर कर दिया, वो तो अच्छा कर रहा था। लेकिन अगर हम खुद बाहर हो जाएंगे और ये कह देंगे कि भैया पेट में दिक्कत है तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बस सिंपल। और यहीं पे मुझको ये भी समझ में नहीं आता है कि जब सूर्य कुमार यादव टॉस के वक्त ये कहते हैं कि रोहित शर्मा के पेट में दिक्कत है, भैया कीड़ा वीड़ा घुस गया है, मतलब स्टमक बग वगैरह कुछ बताते हैं, तो वहां पे मुझको ये समझ में नहीं आता है कि भैया चलो पेट वेट की दिक्कत हुई होगी और ऐसी दिक्कत कि वो अगली इनिंग में खेल सकते हैं, तो मतलब जो दिक्कत है वो तो तभी मैच से शुरू होने से पहले 1-2 घंटे पहले पता चली होगी। रोहित शर्मा ने कहा होगा भाई अभी ठीक नहीं लग रहा है, जा तू कैप्टन हो जा। लेकिन अगर ऐसा था तो माहौल भैया ऐसा क्यों बन रखा था कि अर्जुन तेंदुलकर आज डेब्यू करने वाले हैं? सारा तेंदुलकर आई थी, सचिन तेंदुलकर आए थे। अब देखो माना कि वानखेड़े मैदान था ये, मतलब वानखेड़े मैदान में मैच था तो ये लोग वैसे भी आ सकते थे, लेकिन फिर भी भैया थोड़ा सा शक तो होता है। खैर जो भी हुआ, चलो बढ़िया हुआ अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू हो गया, क्योंकि बहुत लोग थे भैया जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कम से कम भैया अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल में खेलते हो तो देख लें। अब देखो यहां पे मैं एक और बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, कि अगर अगले मैच में तुमको अर्जुन तेंदुलकर खेलते हुए देखने को ना मिले तो समझ जाना भैया दाल में कुछ काला था। ये गड़बड़ है बाबा। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि अर्जुन तेंदुलकर ने कल के मैच में कुछ बहुत बुरा नहीं किया है। हाँ, मतलब एवरेज बॉलिंग करी है, पहला ओवर ठीक ठाक डाला था और दूसरा ओवर थोड़ा सा बेकार डाला था। स्पीड देखो बहुत ही कम थी, 125-26 की स्पीड थी, जो कि भैया एक्सेप्टेबल नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, लाइन एंड लेंथ अच्छी खासी लग रही थी, थोड़ी बहुत स्विंग भी खा रही थी, लेकिन स्विंग भी जो थी वो इन स्विंग वाली थी राइट हैंडर के लिए, जो कि एक नेचुरल होती है लेफ्ट हैंडर के पास। अगर थोड़ा बाहर वगैरह भी निकालते और अच्छा होता, और उसके अलावा भैया बैटिंग तो देखने को मिली नहीं, तो मतलब अगर इस डिसेंट सी परफॉर्मेंस के बाद भी अर्जुन तेंदुलकर को बाहर कर दिया जाता है जबकि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी है। देखो 2 ओवर शुरू में दिए, उसके बाद तो ओवर ही नहीं दिए जबकि पूरे ओवर कराए हैं, तो इसके बाद भी अगर अर्जुन तेंदुलकर को बाहर कर दिया जा रहा है अगले मैच में तो बस समझ जाओ अर्जुन तेंदुलकर को यह मैच सिर्फ इसलिए खिलाया गया था कि लोग कह रहे हैं भैया देखना है खेलते हुए तो खिला दो, उसके अलावा इतना कुछ हो रहा है भैया, इतना ओकेजन था कल के दिन, मतलब मुंबई वालों ने बड़ा सा ओकेजन रखा था, लड़कियां बुलाई थी एनजीओ की, एक उनकी मूवमेंट थी अपने आप में, हरमनप्रीत कौर को बुलाया था, मुंबई वालों ने भैया WPL वाली जर्सी पहनी थी, तो ये सब कुछ हो रहा है तो भैया लगे हाथ अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू भी करा देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर अगले मैच में अर्जुन तेंदुलकर नहीं खेलते हैं तो समझ जाओ भैया बस खिला दिया था लोगों की मुराद पूरी करने के लिए। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। अब देखो भाई तुम लोग बताओ कि जो जो तर्क मैंने यहां पे दिए तुम लोग उस बात से कितना एग्री करते हो या फिर कितना डिसएग्री करते हो, और जो भी करते हो भाई मेरे को तुम ये बता दो, तुमको अर्जुन तेंदुलकर की बॉलिंग कैसी लगी? क्या तुम्हें लगता है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल के भैया प्लेयर बन सकते हैं या फिर आईपीएल लेवल के हिसाब से जो ठीक ठाक कर रहे हैं काम, जो भी तुम्हारा ऑनेस्ट ओपिनियन है कमेंट में भाई जरूर बताना। लेकिन कल के ही मैच में ऐसा कुछ भी हुआ जो तुम्हें देखना ही देखना चाहिए, और उसके बाद तुम भी यही कहोगे भैया जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। क्या बात कर रहे हैं? पर वो देखने से पहले जैसा कि तुम जानते हो कि आज के दिन होना है आईपीएल का सबसे बड़ा मैच आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, यानी कि विराट कोहली वर्सेस महेंद्र सिंह धोनी। पर अपने
अपने को क्या भैया, अपने को तो सिर्फ यस या नो करना है और पैसा ही पैसा छापना है ट्रेगो पे जाके। और क्वेश्चन क्या है, क्या जो आरसीबी है वो सीएसके से जीतेगी? दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या जो विराट कोहली है वो 30 प्लस का स्कोर करेंगे? तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या जो ऋतुराज गायकवाड़ है वो 30 प्लस का स्कोर करेंगे? भाई इन तीनों ही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो मैं गारंटीड यस करने वाला हूं, जो कि है विराट कोहली 30 प्लस का स्कोर करेंगे। दो दो रीजन है, पहला कि भैया चिन्ना स्वामी में मैच है, वहां तो विराट कोहली रन मार ही मार रहे हैं, और दूसरा विराट कोहली चेन्नई के खिलाफ रन मारते ही मारते हैं, इसीलिए आंख बंद करके यस कर दो। चेन्नई की बॉलिंग भी वीक है, और जैसी जैसा मैंने कहा कि विराट कोहली 30 प्लस का स्कोर करेंगे, पैसा ही पैसा बाबू भैया, बस रेट और क्वांटिटी सेलेक्ट करने का, पैसा वहां पे डालने का। उसके बाद जैसी विराट कोहली 30 प्लस करेंगे तो क्या होगा, जैसा मैंने कहा, पैसा ही पैसा बाबू भैया। उसके अलावा जैसा कि तुमको पता ही है भाई, पहले ही रिचार्ज पे 20% का कैशबैक मिल जाता है, और सेम टाइम पे जैसे तुम डिस्क्रिप्शन और प्रिंट करने में दिए हुए मेरे लिंक से यहां पे जाते हो और मेरा प्रोमो कोड Yoshi25 यूज करते हो तो ₹25 का बोनस मिल जाता है, जैसे तुम खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा भाई, सिर्फ यस या नो करना है, इतना आसान तरीका पैसा कमाने का कहीं भी नहीं होने वाला है। उसके अलावा ट्रेगो पे लीडर बोर्ड भी चलता है, टॉप 3 लोगों को भैया थाईलैंड जाने का मौका मिल रहा है, उसके नीचे की रैंक वालों को बड़े बड़े कैश प्राइजेस मिलते हैं, चाहे तो टॉप 10 लिस्ट तुम देख सकते हो, तुम्हारे ऐप पे भी तुमको देखने को मिल जाएगा, और इन टॉप 10 लोगों का तुम्हें रेफरल कोड भी दिख रहा है, चाहे तो भैया उसका भी यूज कर सकते हो। तो बस भाई इतना कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए तुमको, ये सब कहीं नहीं मिलने वाला है। और सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, जहां पे मैच के दौरान मैं क्वेश्चन डालता रहता हूं, ये क्वेश्चन आ गए, जाओ जल्दी यस या नो करो, सब कुछ मैं तुमको अपडेटेड रखता हूं, क्योंकि भाई अगर हम पैसा बना रहे हैं तो तुमको बना के देना भैया हमारा ही तो फर्ज है ना। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन प्रिंट करने दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और खूब सारा पैसा कमाओ। तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन मुंबई और केकेआर के मैच में कुछ ऐसा भी हुआ जिसके बाद से आपका भैया जीवन का जो चक्र होता है ना, उस पे भरोसा वापस से बढ़ जाएगा। क्योंकि भैया अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि जब रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था तो उनको जो वो टोपी दी जाती है ना भैया डेब्यू करने पे, वो किसने दी थी रोहित शर्मा को? सचिन तेंदुलकर ने। और वहीं पे जब कल के दिन अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल में डेब्यू कर रहे थे तो उनको टोपी किसने दी? रोहित शर्मा ने। मतलब सचिन से रोहित, रोहित से अर्जुन, यही तो है जीवन का चक्र। पर मेरे को बात समझ में नहीं आई कि भाई अर्जुन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर ने टोपी क्यों दी? उन्होंने कहा थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा भैया, पिता बेटे को दे रहा है, पर मुझे लगता है ये तो बहुत ज्यादा स्वीट होता भैया, बहुत अच्छा लगता है, खुद सचिन दे रहे हैं अर्जुन तेंदुलकर को, ये उनके लिए भी प्राउड मोमेंट होता और अर्जुन तेंदुलकर के लिए प्राउड मोमेंट होता। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कहा कि भैया ये सब छोड़ो परिवारवाद, रोहित भाई है ना अपने, वही देंगे उनको, सबसे सीनियर प्लेयर है टीम के। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन फिर भी कमाल की बात यह है कि पहले रोहित शर्मा अर्जुन तेंदुलकर को टोपी देते हैं, उसके बाद उनसे मस्त भैया गले मिलते हैं, उसके बाद पूरी टीम के भैया गले में हाथ डाल के मस्त टीम मीटिंग करते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, भैया हम आज का मैच तो खेल ही नहीं रहे, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। हरामी हो बेटा। मतलब ऐसा कुछ होते हुए मैंने क्रिकेट इतिहास में ना पहली बार देखा है। तो आप लोग का इस पे जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है ना भाई, एक बार कमेंट में जरूर बताइयो। बाकी कल के दिन एक और अद्भुत चीज देखने को मिली कि मुंबई की तरफ से एक बॉलर थे डुआन जेंसन, जो कि मार्को जेंसन ट्विन ब्रदर थे, और भाई सच में एकदम सेम टू सेम शक्ल। मतलब ट्विन का मतलब कहीं ना कहीं यही होता है, पर बहुत ट्विन्स ऐसे भी होते हैं जो भैया सेम टाइम पे या सेम वक्त पे पैदा हुए होते हैं लेकिन शक्ल वगैरह नहीं मिलती है। लेकिन यहां तो भैया पहचान में नहीं आ रहा था, दो पल के लिए मैं भी सोचने पड़ गया कि मार्को जेंसन भैया इनके लिए खेलते हैं या फिर एसआरएच के लिए खेलते हैं। वो तो जब लिखा आया और कमेंटेटर्स ने कहा कि ट्विन ब्रदर हैं, और देखो सबसे कमाल की बात ये थी, जो एक्शन भी है ना दोनों की एकदम सेम टू सेम, जो पेस है एकदम सेम टू सेम, जो फेंकने का तरीका है एकदम सेम टू सेम, फील्डिंग करने का तरीका एकदम सेम टू सेम। मतलब भैया खतरनाक कोइंसिडेंट है यार, चलो बाकी सब कुछ सेम ठीक था लेकिन एक्शन कैसे किसी की सेम हो सकती है? ये तो वही हो रहा है भैया जुड़वा 2 में जो दिखाया था। बाकी चलो भाई ये सब मजाक तो चलता ही रहेगा, लेकिन कल के दिन एक चीज देख के तो क्या, मतलब दो तीन चीजें देख के तो खुशी जरूर मिली कि ईशान किशन थोड़े से फॉर्म में आए हैं। फाइनली उन्होंने एक ऐसी पारी खेली है कि उन्होंने बता दिया भाई मैं अच्छा खेल सकता हूं, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का सवाल है। इसीलिए मैं ईशान किशन से उम्मीद करूंगा कि अगर आपकी अच्छी पारी आ गई है ना तो भाई 3-4 पारियां, अगली 5-6 पारियों में से 3-4 पारियां और ऐसी खेलना, तभी मुझको आप पे भरोसा आएगा। क्योंकि जैसी आप एक ऐसी पारी खेलते हो ना, फिर 5 पारी में कुछ नहीं करते हो। तो इसीलिए भैया 40-50 की 6 पारियों में से 3-4 पारी अगर आपने खेल दी तो कसम से जो आप पे भरोसा है वो और बढ़ जाएगा। उसके अलावा भैया सूर्य कुमार यादव कल कैप्टन बने तो वो भी चल गए। मतलब सूर्या बस ये कहना चाह रहे थे भाई कैप्टन बनाओ तो ही चलेंगे, तो इसीलिए वो भी थोड़ी सी खुशी मिली। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर ने शानदार पारी खेली भैया, शुरुआत में टखने वखने पे चोट लग गई थी, टखने मतलब घुटने पे चोट लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद ही भैया लचक लचक के मारे जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ही भैया केकेआर का इतना गड्ढापना कि जितने रन भैया वेंकटेश अय्यर ने मारे थे उसके वो
उतने ही रन नहीं मार पाए, मतलब टोटल मिला के, मतलब कम से कम जितने वेंकटेश अय्यर ने मारे उतने तुम भी तो मारते, बाकी सब भैया प्लेयर हगने में लगे हुए थे और रिंकू सिंह भाई का लाभ भी धोखा दे दिए। थोड़ा बहुत मुझे ये लगने लगा है कि रिंकू सिंह के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बन गया है कि अगर मैं आते ही हिटिंग करूंगा और 5-10 रन पे निकल गया तो भैया बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं, और उस चक्कर में वो 15-20 रन जो शुरुआत के होते हैं थोड़ा सा 6-7 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 6-7 नहीं मतलब 6-7 के एवरेज से खेलते हैं, 6-7 की एवरेज से नहीं, हर 6 बॉल पे 7 रन मारते हैं या फिर कहो भैया 100-110 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। इसीलिए वो पहले ऐसा नहीं करते थे, पहले वो क्या करते थे कि भैया आते ही थोड़ा सा मारने लग जाए, 4-5 बॉल देखते थे और आते ही चौके छक्के लगाना शुरू करते थे, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, जो देख के थोड़ी सी मुझको बेचैनी हो रही थी, मुझे लग नहीं रहा था ये रिंकू सिंह खेल रहे हैं, मुझे लगा भाई इससे तो रसल आ जाते, लेकिन मैं चाहता हूँ रिंकू सिंह भैया अपने पुराने तरीके से खेलें। इसके जस्ट पिछले मैच में अच्छा खेल रहे, जो कि भैया उस मैच का जस्ट अगला मैच था, 5 छक्के वाले का अगला मैच था जहां 50 उन्होंने फिर से मारी थी, भले नहीं जीता पाए थे लेकिन इंटेंट प्योर लग रहा था, पर कल के दिन ऐसा लगा कि पहले वो ये चाह रहे हैं भाई मेरे 15-16 रन पड़ जाए उसके बाद आराम से मारूंगा, मतलब इतनी अच्छी सिचुएशन थी कल रिंकू सिंह के लिए, आते ही मस्त पारी खेल सकते थे लेकिन कुछ करा ही नहीं, पहले टिकते रहेगा और बहुत टिके मतलब 20 बॉल पे 20 रन ऐसे मैच में जहां पे भैया आपकी जो टीम खेल रही है वो लगभग डबल रेट पे खेल रही है, वहां पे ऐसी पारी खेली ना मजा नहीं आया। तो उम्मीद करते हैं रिंकू सिंह भैया आने वाले मैच में अच्छा करें, बाकी मुंबई इंडियंस देखो अब जीतना शुरू कर दिए ना, अब भैया कोई माइका लाल मुंबई इंडियंस को हरा नहीं पाएगा और आखिर में देखना मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में होगी, ये लिख के ले लो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और भाई ये भी लिख के ले लो कि अगर मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंचेगी तो मुंबई इंडियंस ही आईपीएल जीतेगी, बाकी तुम्हारा इस बारे में जो भी कहना है जो भी मानना है कमेंट में जरूर बताना। लेकिन जो सवाल मैंने पूछा, जो मैंने आपको कुछ तर्क दिए भैया अर्जुन तेंदुलकर और रोहित शर्मा के बाहर होने वाले, जो भी तुम्हारा उस बारे में सोचना है एक बार ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट जरूर देना, बाकी अर्जुन तेंदुलकर की बॉलिंग कैसी लगी उसके बारे में जो भी बोलना है वो भी जरूर बताना, बाकी मैं तो भैया इंतजार कर रहा हूं कि अर्जुन तेंदुलकर अगले मैच में दिखते हैं नहीं दिखते हैं, अगर नहीं दिखे तो भैया जो थोड़ा बहुत मेरा शक है ना वो यकीन बदल जाएगा, तो उम्मीद करिए वो अगले मैच में दिखें, बाकी जो आपका मानना है ऐसा मैंने कहा कि भैया कमेंट बॉक्स में मैं हर किसी के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। भाई ने बोला करने का तो करने का, बाकी डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि सिर्फ यस या नो करके पैसा कमाने का इससे अच्छा मौका और कहीं मिल ही नहीं सकता, और सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मौजूद है मेरे टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे सब कुछ आता रहता है, जो भी क्वेश्चंस लाइव हो रहे हैं इजी इजी क्वेश्चन सारी प्रेडिक्शन के साथ मैं वहां डालता रहता हूं, ताकि भले तुम मैच ना भी देख रहे हो तुमको पूरे तरीके से अपडेट मिलते रहे कि भैया कौन सा क्वेश्चन है जहां पैसा बन सकता है और तुम्हें क्या करना है, सिर्फ यस या नो करना है, बाकी साइन अप करते जोशी 25 यूज करते ही तुमको 25 रुपए का बोनस मिल रहा है, इससे तुम खेलना स्टार्ट कर सकते हो, तो क्यों वेट कर रहे हो, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, अभी जाके ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।